बीरसिंहपुर ताप विद्युत परियोजना में आपका हार्दिक अभिनंदन। आइए हम संक्षेप में जानें प्रदेश में विद्युत उत्पादन की विकास यात्रा। 50 वर्ष पूर्व अप्रैल 1957 को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की स्थापना हुई। इस समय विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता मात्र 81.5 मेगावाट की। इन दिनों में विद्युत का उपयोग मात्र शहरी क्षेत्रों में होता था और जिसकी आपूर्ति होती थी छोटे छोटे डीजल जनरेटरों से। समय के साथ साथ प्रदेश का औद्योगिक विकास हुआ, घरेलू खपत बढ़ी, सिंचाई में बिजली का उपयोग बढ़ा व कोरवा पूर्व में 30 मेगावाट की 3 थर्मल इकाइयों व गांधी सागर में 115 मेगावाट की प्रथम जल विद्युत स्थापना के साथ प्रदेश में प्रारंभ हुई विद्युत उत्पादन की विकास यात्रा। नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश राज्य का 2 भागों में विभाजन हुआ। विभाजन पश्चात नवगठित मध्य प्रदेश की विद्युत उत्पादन स्थापित क्षमता ताप आधारित 2272.5 मेगावाट व हाइडल में 745 मेगावाट थी। जुलाई 2002 में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया। औद्योगिक विकास, घरेलू खपत और सिंचाई में विद्युत की मांग में निरंतर वृद्धि तो हो रही थी, किंतु मांग और पूर्ति के बीच खाई बढ़ती गई। कारण, विगत कालखंड में विद्युत उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। अतः प्रदेश में विद्युत के संकट को दूर करने विद्युत मंडल की उत्पादन कंपनी मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा विगत 3 वर्षों में विशेष प्रयास किए गए। इन 3 वर्षों में जहां एक ओर जल विद्युत उत्पादन में 60 मेगावाट की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्रालय, अन्य संबंधित विभागों और मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के अथक व निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना में 500 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत इकाई 18 जून 2007 को क्रियाशील की। विद्युत उत्पादन के इतिहास में 500 मेगावाट इकाई का क्रियाशील होना प्रदेश का विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में स्वावलंबी होने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। आइए अब हम आपका परिचय कराएं संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना से। यह है दक्षिण पूर्व रेलवे में स्थित बीरसिंहपुर रेलवे स्टेशन, मां बिरासनी की पवित्र पावन नगरी बीरसिंहपुर। यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर कलकल छलछल बहती नर्मदा सखी जोहिला, चारों ओर हैं मैकल पर्वत की सुरम्य वादियां और प्रकृति के सुंदर स्थली में बनाया गया जोहिला नदी पे ये बांध। इस तरह निर्माण हुआ इस खूबसूरत झील का। वर्षा के अतिशेष जल की उपयोगिता की गई इस 20 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत इकाई के संचालन में। यह इकाई 1991 से सतत कार्यशील है। अब हम आ पहुंचे ताप विद्युत ग्रह। ये हैं 210 मेगावाट की 4 इकाइयां, जिनकी स्थापना 1993 से 1999 के मध्य में हुई। इन इकाइयों ने अनेक बार रिकॉर्ड उपलब्धियों के साथ सतत क्रियाशील रहकर प्रदेश की विद्युत आपूर्ति में अपना योगदान दिया है और दे रही है। इस परियोजना की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा जब मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के द्वारा BHEL को 500 मेगावाट क्षमता की इकाई के निर्माण का आदेश दिया। निर्माण क्रिया प्रारंभ हुई। मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग व मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के इंजीनियर कर्मचारियों के निरंतर देखरेख में मेजर BHEL द्वारा लगभग 2066 करोड़ की लागत से बनी एक परियोजना पूर्ण हुई और अब वह सुखद ऐतिहासिक क्षण आया। 18 जून दोपहर 3:52 पर जब यह इकाई सिंक्रोनाइज की गई और इसने अपना उत्पादन प्रारंभ किया। कन्वेयर गैलरी से कोयला आता है इन बंकर्स में। क्या आप अंदाज लगा सकते हैं
500 मेगावाट इकाई को चलाने में कितना कोयला लगेगा? जी हाँ, 24 घंटों में लगभग 7000 टन। कोयले को मिल में महीन पाउडर बनाकर बर्नर तक पहुंचाया जाता है। आप देख रहे हैं प्रज्वलित फ्लेम, ठीक इसी तरह 5 मंजिलों में चारों कोनों से अग्नि प्रज्वलित की जाती है। इसकी भीषण गर्मी से बॉयलर ट्यूबों में प्रवाहित जल परिवर्तित हो जाता है स्टीम में, अर्थात वाष्प। इन चमकदार दिख रहे पाइपों से स्टीम प्रवेश करती है टरबाइन में। ये है वह विशाल टरबाइन जो कि गर्म वाष्प की शक्ति से घूम रही है। 500 मेगावाट उत्पादन के समय इस टरबाइन में 1675 टन प्रति घंटा वाष्प इसे घूमने के लिए लगेगी। यह है टरबाइन की गति को नियंत्रित करने के लिए गवर्निंग सिस्टम। ये है आधुनिक कम नियंत्रण प्रणाली MXADNA। मॉनिटर दर्शा रहा है कि टरबाइन इस वक्त 3000 आरपीएम पे घूम रही है, अर्थात मात्र एक सेकंड में 50 बार। जितने समय में हम एक सेकंड का उच्चारण करते हैं, टरबाइन 50 बार घूम चुकी होती है। इकाई के संचालन के ताप और प्रेशर के और अन्य पैरामीटर्स को नियंत्रित कर रहे हैं दक्ष इंजीनियर। इस विशाल जनरेटर से उत्पादित 21 किलोवाट की विद्युत ट्रांसफार्मर से स्टेप अप होकर इन तारों से होती हुई आ पहुंची सीसीआर। वर्तमान में 220 किलोवोल्ट की सतना, अमरकंटक, रीवा, कटनी एवं सब स्टेशन फीडर के माध्यम से जबलपुर आदि लाइनों से पारेषण कर राज्य के कोने कोने में दैनिक उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा और निकट भविष्य में 400 किलोवोल्ट की पारेषण लाइन क्रियाशील होने के पश्चात उत्पादित विद्युत दमोह एवं कोरबा के 400 किलोवोल्ट सब स्टेशनों के माध्यम से पारित की जाएगी। इस तरह प्रदेश की प्रथम 500 मेगावाट इकाई के 18 जून 2007 को क्रियाशील होने के बाद यह परियोजना बन गई है 1360 मेगावाट स्थापित क्षमता वाली प्रदेश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन परियोजना। और इसके साथ ही विभाजन के समय प्रदेश की विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता जो कि ताप विद्युत उत्पादन से 2272.5 मेगावाट थी, वह हाइडल उत्पादन में 745 मेगावाट थी, बढ़कर क्रमशः हो गई 2772.5 मेगावाट व 895 मेगावाट। प्रदेश में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में विकास यात्रा अभी आगे और आगे चलती रहेगी और वर्ष 2008 के अंत तक हमारा प्रदेश अपनी आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन कर स्वावलंबी हो सकेगा, ऐसा हमारा प्रयास है। बस आपकी शुभकामनाएं चाहिए, बस आपकी शुभकामनाएं चाहिए।